और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सारे देश को एक सूत्र में बांध दिया। समय रहते हमने लड़ाई प्रारंभ की और इसलिए हम पूरी तरह से सफल भले ना हुए हों, लेकिन दुनिया के कई देशों में जहां संकट बड़ा और गहरा है, इटली, स्पेन, अमेरिका इस संकट की भयावहता से जूझ रहे हैं, वहां इस संकट को नियंत्रित करने में सफल जरूर हुए हैं। लड़ाई बड़ी है, लंबी है, कड़ी है। मैंने 23 तारीख की रात को 9 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और 10 बजे वल्लभ भवन में कोरोना के खिलाफ बैठक लेके इस लड़ाई को प्रारंभ कर दिया। आप सबके सहयोग से हम सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन प्रिय बहनों और भाइयों, आओ हम उनका अभिनंदन करें जो कोरोना की जंग में योद्धा है। हमारे डॉक्टर, हमारी नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस के जवान, हमारे कर्मचारी अलग अलग विभागों के, हमारे अधिकारी, पत्रकार मित्र जान हथेली पर रख के खुद को जोखिम में डाल के आपकी जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया, आप सबने भी उसे सफल बनाया। मेरे मित्रों, इस जंग से लड़ते लड़ते इंदौर के हमारे पीआई खुद संक्रमित हो गए, लेकिन उनका जज्बा ऐसा था कि अस्पताल में लेटे लेटे वो मोबाइल फोन पर वहीं से निर्देश दे रहे थे। डॉक्टरों के कहने पर उनसे मोबाइल फोन मुश्किल से वापस लिया जा सका। एक नहीं, अनेकों पुलिस के हमारे जवान जुटे हुए हैं, अधिकारी जुटे हुए हैं, हमारे डॉक्टर खुद संक्रमित होने का खतरा उठा के जूझ रहे हैं। इंदौर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, पथराव हुआ, दूसरे दिन वो डॉक्टर भाई बहन फिर उसी मोहल्ले में लोगों की जिंदगी बचाने निकल पड़े। हर एक विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो इस काम में लगे हैं, यहां तक कि मेरी टीम में लगे हुए, मेरे साथ टीम में लगे हुए काम कर रहे अधिकारी साथी भी संक्रमित हो गए, लेकिन हौसला नहीं टूटा, हिम्मत नहीं हारी, हम लगातार लड़ रहे हैं इस विश्वास के साथ कि जीतेंगे, आपके सहयोग से जीतेंगे। और जीतने के एक बड़ा उपाय, सबसे प्रभावी उपाय, लॉकडाउन को सफल बनाना, खुद को अपने घर तक सीमित रखना, प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्मण रेखा बताई है उसको पार न करना है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इलाज की हर संभव व्यवस्था करने का हमने प्रयास किया है। आप देख रहे हैं कि प्रदेश में भी लगातार पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इलाज की सुविधाएं लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, अब रोज 500 टेस्टिंग करने में हम सक्षम हैं, इसको बढ़ा के हम 1000 तक पहुंचाएंगे। हमारे पास पीपीई किट नहीं थे पहले, मुझे कहते हो खुशी है कि पीपीई किट हमने खुद बना लिए, स्थानीय कंपनियों से हमारे काम में लगे अधिकारियों ने बात करके उनको बनाने में सफलता प्राप्त की है, जिसको भारत सरकार ने मान्यता दी है। अब और सुरक्षा के साथ हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, काम में लगे हमारे बाकी कर्मचारी साथी, भाई बहन कोरोना से लड़ सकेंगे।
दवाई की भी कोई कमी नहीं है। मास्क बनाए गए हमारी स्व सहायता समूह की बहनों ने, कई कई संस्थाओं ने बड़े पैमाने पर मास्क बनाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर बने मास्क की कमी हो तो चिंता मत करना, होममेड मास्क भी बनाया जा सकता है। और होममेड मास्क कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी सूती कपड़ा, उसके तीन फोल्ड कर ले। ये मैंने लपेट के इसके चार फोल्ड किए, तीन भी किए जा सकते हैं। कपड़ा साफ होना चाहिए, साबुन से धुला हुआ होना चाहिए। विशेषकर गांव में रहने वाले बहनों और भाइयों, अगर मास्क नहीं मिल पा रहे तो चिंता मत करो, हम पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप इस सूती कपड़े का इस्तेमाल, गमछे का इस्तेमाल मास्क के रूप में कर सकते हैं। अपने नाक और मुंह को ढक लीजिए और इसको पीछे बांध दीजिए, ये आपका मास्क तैयार हो गया। होममेड मास्क बनाइए, उनका उपयोग कीजिए, लेकिन सावधानी के लिए बहुत जरूरी है। इस लड़ाई में हमारे वो मजदूर भाई और बहन जो दूसरे प्रांतों में रहते थे, बड़ी संख्या में अपने प्रदेश में आए हैं, वो अपने अपने गांव में पहुंचे। ये वायरस अगर फैला तो विदेशों से आने वालों के कारण फैला, बाद में इसमें और इजाफा हुआ, लेकिन गरीब मजदूर जो वापस अपने अपने गांव पहुंच गए, उनको हर आवश्यक व्यवस्थाएं बनाने में सहयोग किया गया। वो वहां क्वारंटाइन में रहे, घर में भी आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था की गई, उनके चेकअप की व्यवस्था। और इसके बाद अगर कोई बीमार है तो उसके इलाज की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। मुझे कहते हो खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस महामारी से अभी हम दूर हैं, लेकिन हमारे वो मजदूर भाई और बहन जो रोज कमाते खाते हैं, उनके सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट पैदा हो गया है। आप जानते हैं, ऐसे मेरे भाई और बहनों के लिए पहले ही हमने 3 महीने के राशन की व्यवस्था की थी। 1,40,00,000 लोगों को 3 महीने का राशन, राशन कार्ड धारियों को देने की हमने व्यवस्था की, ताकि भोजन की, अन्न की कोई कमी ना रहे। इसके अलावा हर जिले को 2000 क्विंटल अतिरिक्त आवंटन दिया गया, इसलिए कि अगर सीमा से बाहर कोई मजदूर गरीब रह जाए तो उसको भी राशन प्रदान किया जाए। मैं समाज से भी संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं, उनके सहयोग से व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर बना हुआ भोजन भी दिया जा रहा है, राशन भी वितरित किया जा रहा है। लेकिन आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं, कई हमारे भाई और बहन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन गरीब है, ऐसे लगभग 30,00,000 परिवारों को ऐसे 30,00,000 परिवारों को कोरोना कोटा के नाम पर अभी राशन प्रदाय किया जाएगा। इस महीने भी देंगे, अगले महीने भी देंगे, ताकि कोई गरीब भूखा ना सो पाए। 1 किलो दाल देने की तैयारी भी चल रही है, आने वाले दिनों में चावल की व्यवस्था भी की जाएगी, कोई गरीब भूखा ना रहे। इसके हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं। हमारे निर्माण श्रमिकों को उनके खाते में
एक एक हजार रुपया डाला गया है, जरूरत पड़ेगी तो और पैसा डाला जाएगा। बाहर के प्रदेशों के जो मजदूर हमारे प्रदेश में रह रहे हैं, जो निर्माण श्रमिक हैं, उनको भी एक एक हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। इसलिए हमने यह फैसला किया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों को, लगभग 52 लाख विद्यार्थियों को 430 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है उनके खातों में। हमारे मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों के खाते में भी राशि डाली गई है, मध्याह्न भोजन का पैसा भी विद्यार्थियों के खाते में डाल दिया गया है। हमने ये फैसला भी किया कि कोई मकान मालिक अगर गरीब किराएदार है तो उसको निकालेगा नहीं, किराया भी नहीं लेगा, बाद में भले किस्तों में ले ले। फैक्ट्री मालिकों से कह दिया गया है, संकट के समय वो मजदूर जो फैक्ट्री चलाते हैं उनको फैक्ट्री से निकालना नहीं है, उनके भोजन की आवास की व्यवस्था करना है, उनके वेतन की व्यवस्था भी करना है। मेरे किसान भाइयों, हम जानते हैं कटाई का समय है, कई जगह कटाई पूरी हो गई है, कुछ जगह कटाई चल रही है। कटाई के काम में कोई व्यवधान ना हो इसलिए हार्वेस्टर और कृषि उपकरणों को लॉकडाउन से पृथक रखा गया है। हमने पंजाब में भी संपर्क किया है, वह विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, जो हार्वेस्टर वाले वो आए, और मध्य प्रदेश में किसानों की फसलों की कटाई करें, कटाई में कोई बाधा ना आए इसकी चिंता कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए हमारे मजदूर फसल काटें, इसकी सुविधा दी गई है। अभी लॉकडाउन के कारण खरीदी में देर जरूर हुई है, लेकिन किसान भाइयों चिंता मत करना, 15 अप्रैल से हम खरीदी प्रारंभ कर रहे हैं, उसके लिए सारी तैयारियां करने का प्रयास किया जा रहा है। गेहूं की, सरसों की जरूरी खरीद भी होगी और मंडियां भी अपना काम प्रारंभ करेगी। देर हुई है चिंता मत करना, लेकिन पूरी फसल खरीदेंगे, आपको किसी भी कीमत में तकलीफ नहीं होने देंगे। मेरे विद्यार्थी मित्रों, बेटे बेटियों, 1 से लेकर 8 तक जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, और बाकी 10वीं की और 12वीं की परीक्षा के जो पेपर रह गए हैं उनको लेने के लिए जल्दी तिथि घोषित की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए रेडियो स्कूल भी शुरू किया गया है ताकि वो ज्ञानार्जन भी कर सकें। मेरे कर्मचारी साथियों, आपके साथ हम इस लड़ाई को लड़ने में लगे हुए हैं। आप जानते हैं ये संकट का समय, इस बार मार्च में रेवेन्यू का कलेक्शन पिछले मार्च से 25% से भी ज्यादा कम हुआ है, 10% के आसपास वृद्धि होती वो गई। इस समय अपने संसाधनों का उपयोग हमको कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगाना है, और इसलिए जो डीए आपका बढ़ा हुआ निरस्त नहीं किया है मैंने, केवल स्थगित किया है, बाद में ये पैसा दिया जाएगा। आप तो जानते हैं जब पहले भी सरकार थी हमने कर्मचारियों को डीए देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, आगे भी कमी छोड़ने वाले नहीं है।
समाज के किसी भी वर्ग को कोई तकलीफ और कष्ट ना हो, इसकी चिंता हम लगातार कर रहे हैं। हमारे कोरोना योद्धा जो दिन और रात लड़ाई में लड़ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वास्थ्य कर्मी उनको 50 लाख रुपए तक का बीमा घोषित किया है, मैं प्रधानमंत्री जी के साथ आपको यह भी कहना चाहता हूं कि कोरोना के खिलाफ काम में लगे हुए स्वास्थ्य विभाग के अलावा भी मेरे जो कर्मचारी साथी हैं, किसी भी विभाग के हों, पुलिस के साथी हों, अन्य विभाग के हों, भगवान करे वो सलामत रहें, लेकिन 50 लाख रुपए की राशि कोई अनहोनी होती तो उनको देने की व्यवस्था की जाएगी। आप हमारे योद्धा हैं, आप सुरक्षित रहें, सारा समाज सारा देश आपके साथ खड़ा है। मित्रों, एक नहीं और अनेकों कदम आगे उठाए जाने, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस समय कोई त्योहार ना मनाए, मैं आभारी हूं। कल मैंने सारे धर्म गुरुओं से बात की, सभी उपासना पद्धति धर्मों के जो त्योहार थे वो त्योहार घर पर रहकर मनाए। रामनवमी में हम घर पर रहे, रामलला की पूजा घर पे की, नमाज भी घर पर अदा कर रहे हैं। हमारे सिख भाइयों, जैन भाइयों, ईसाई भाई और बहनों, बौद्धों लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आगे आने वाले त्योहार भी हम घर पर रहकर ही मनाएं। मृत्यु भोज विवाह जैसे कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अभी मुरैना में जो संक्रमण फैला, दुबई से आने वाले परिवार ने मृत्यु भोज का आयोजन किया, रिश्तेदारों में संक्रमण फैल गया। हमको सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम नहीं होंगे। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके साथ मिलकर, लेकिन कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अगर कोई बाधा डालने की कोशिश करेगा, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इंदौर में जिनने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे मध्य प्रदेश का माथा शर्म से झुक गया, वो रासुका के तहत जेल में, बाकी को भी पकड़ा गया है। ये लड़ाई हम सबकी है, सारे धर्म पंथ उपासना पद्धति, हम सब भाई भाई हैं। भारत ने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही एक परिवार है और ये लड़ाई तो इंसानियत को बचाने के लिए लड़ी जा रही है, इंसान को बचाने के लिए लड़ी जा रही है। मुझे खुशी है कि सारे धर्म गुरुओं ने अपनी तरफ से अपील और आह्वान किया है कि हम सब मिलकर लड़े, और डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनको हर संभव सहयोग करें। हमारे कई ऐसे साथी तबलीगी जमात, विदेश की जमातें, वो भी यहां आई, हमने उनको ढूंढा, पॉजिटिव संक्रमित मिले, अगर कोई छूट गया हो तो उससे हमारी अपील है कि वो स्वयं आगे आके बताए ताकि उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके। कोई भी अगर जानबूझ के हम अपना चेकअप नहीं कराते घूमते हैं तो केवल अपनी जान खतरे में नहीं डालते, हम दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं, और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर आह्वान किया है हमें कल 5 अप्रैल को नौ बजे से नौ मिनट तक हम अपने घर में अपनी लाइट बंद रखेंगे। केवल लाइट बंद करना है, बाकी चीजें चालू रह सकती है, आपका फ्रिज या बाकी चीज। और दरवाजे पर आएंगे, दिया, टॉर्च, मोमबत्ती, कोई भी एक चीज जलाएंगे। मोबाइल की फ्लैश से भी काम चल सकता है। अंधकार से प्रकाश की ओर, कोरोना के अंधेरे से हम सब मिलकर लड़ेंगे। यह संकल्प शक्ति प्रकट करते हुए हम दिया जलाएंगे। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आप सफल बनाए। स्ट्रीट लाइट जैसी चीज जलती रहेगी। आइए सारा देश, सारा मध्य प्रदेश भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हो जाए। परिवार को समय दें, लेकिन आप जिस भी पंथ को मानते हो एक प्रार्थना भगवान से जरूर करें। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं है कि हम लड़ेंगे नहीं, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, पूरी क्षमता के साथ लड़ेंगे, लड़के हराएंगे। लेकिन ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि इस महामारी से निपटने में वो हमें शक्ति दे, ताकि पूरी क्षमता से हम काम कर सकें। मैं भी रोज प्रार्थना करता हूं, आप भी प्रार्थना करें। मेहनत यह भी तय किया कि जैसे यह संकट समाप्त होगा गिरिराज महाराज की परिक्रमा करूंगा। जिसकी जो मान्यता हो, कई बार दुआएं भी असर करती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लड़ाई में कोई कमी छोड़ें, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जीतेंगे, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। जीतना है, जीतना है। इसी संकल्प के साथ आप सबको सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चलाए चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।